रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वा तायरा रिफत, तुसी देखदे पे हो गंधारा हिंको टीवी। सबसे पहले अज दियां हिंको खबरां। पाकिस्तान च कोरोना वबा नाल एक दिन च 201 अफराद जान दी बाजी हार गए, जिस दे बाद मजमूई अमवात दी तादाद 17530 हो गई है। NCOC की तरफ से जारी अदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटियां 49101 कोरोना टेस्ट किए गए। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक हुण तक खैबर पख्तूनख्वा 115596 अफराद कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। हुकूमत की तरफ से इंसदादे कोरोना वसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों दो हफ्ते का लॉकडाउन लगाने जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक NCOC ने मुतलका वजारतों नूं एक मरला जारी कर दिता वे, जिस दे मुताबिक कोरोना वायरस का फैलाव घट करने वसे लॉकडाउन का नाफिस 2 या 3 मई से होने का इम्कान है। इन्हां मुख्तलिफ अजलावां ते शहरां च इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद ते गुजरांवाला शामिल हन, जबकि पिशोर, हैदराबाद, लोहरदीर, मरदान, नुशहरा, चरसदा ते मालाकंड लॉकडाउन के हवाले नाल हसास शहरां दी लिस्ट च शामिल हन। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इजलास में रमजान ते ईद के हवाले नाल अहम फैसले किए गए। वज़ारत दाखला ने रमजान ते ईद ते कोरोना से बचाव वसे इकदामात दा नोटिफिकेशन जारी कर दिता वे, जिस दे मुताबिक इतकाफ, शबे कदर, जुम्मतुल विदा ते नमाज़े ईद वसे SOPs वक्त जारी किए जा सन। वज़ारत दाखला ने किया वे कि ईद की छुट्टियां के दौरान सियाहत ते मुकम्मल पाबंदी हो सी। सियाहती मकामात, होटल, पब्लिक पार्क, रेस्टोरेंट ते शॉपिंग मॉल्स बंद हो सन। गंधारा हिंको बोर्ड के तहत गंधारा हिंको अकैडमी का 79वां हफ्तावार अमूमी इंतजामी इजलास गंधारा हिंको अकैडमी के डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान कमेटी रूम में मुनक्किद होया। इजलास की सदारत गंधारा हिंको अकैडमी के चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी मुहम्मद जियाउद्दीन ने की। इजलास च तहकीक, तखलीक ते तरवीज समेत मुख्तलिफ अमूर ते गलकत की गई ते मुतादित फैसले भी किए गए, जबकि मुस्तकबिल च होने वाले प्रोग्रामा दे हवाले नाल हिकमत अमली भी तय की गई। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने बाबर आजम नूं दुनिया दा बेहतरीन बैट्समैन करार दे दिता वे। उन्होंने किया वे कि बाबर आजम गैर मामूली सलाहियतां दे हामिल बैट्समैन हन। एक अरसे बाद पाकिस्तान नूं एशिया क्रिकेटर मिला वे। उन्होंने किया वे कि एक गल बड़ी अहमियत दी हामिल है कि बाबर आजम अपनी मौजूदा कारकर्दगी नूं बरकरार रखते हुए मियार च बेहतरी दा सफर जारी रखन। ते इस दे नाल ही अज दियां हिंको खबरां मुक गईयां। नवीं खबरां लेके तुहाडी खिदमत च वध हाजिर हो सियां। तद तक तायरा रिफत नूं दो इजाजत। अल्लाह हाफिज।